एवरीवन, देख सकते हैं आज हमारे पास है पिजन एंड प्रेस्टीज ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप। तो दोनों में क्या अंतर है, आपको कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए, तो एंड दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे एंड क्वालिटी के बारे में भी बताएंगे। तो सर ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय के भाई। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, खोल देते हैं बॉक्स को दोनों को फटाफट से। देख सकते हैं बॉक्स को तो हमने अनबॉक्स कर लिया, बॉक्स में मिला है हमारे को एक वारंटी कार्ड। तो देख सकते हैं दोनों में वारंटी कार्ड यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, इसमें सिंपली एक पेज का देखने को मिलेगा लेकिन पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है वगैरह, एंड विथ वारंटी कार्ड भी है इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वारंटी कार्ड का स्टैंप वगैरह लगता है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेस्टीज का है। तो इसमें पूरा बुकलेट विथ सर्विस सेंटर नंबर एंड वारंटी कार्ड पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो उन दोनों को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्लास के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें जो ग्लास मिलेगा एकदम ग्लोसी फिनिश टाइप मिलेगा, एकदम ट्रांसफर टाइप दिखेगा आपको। इसमें मिलेगा मैट फिनिश का ग्लास जो कि दोनों सेरामिक टाइप का ग्लास है। एंड अभी करते हैं ब्रांड के बारे में। तो ये है प्रेस्टीज ब्रांड का, ये है पिजन ब्रांड का, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें वोल्टेज की बात करेंगे। तो 2200 वाट्स का है प्रेस्टीज ब्रांड का, एंड पिजन मिलेगा आपको 2100 वाट्स का। एंड अब बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें आप ऑटोमेटिक कीप वॉर्म कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक कीप वॉर्म ऑप्शन नहीं है। इसमें आप पावर सेवर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, इसमें पावर सेवर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बहुत बड़े फीचर्स हैं, एंड ऑटोमेटिक विजल काउंटर होता है इसमें, आप विजल सेट कर सकते हैं कुकर का 1 2 3, इसमें आप सेट नहीं कर सकते। एंड बाकी जो फीचर्स है वो भी बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ का बटन तो दोनों में मिलता ही मिलता है, मेन्यू का बटन तो इसमें भी मिलेगा, एंड इसमें फंक्शन का बटन मिलेगा, किसी में मेन्यू देता है तो किसी में फंक्शन देता है, तो उसका दोनों का मतलब तो सेम ही है। एंड टाइमर का बटन जो है इसमें भी है, उसमें भी है, एंड पॉज का बटन इसमें है, इसमें आपको पॉज का बटन भी है, एंड इसमें हाई एंड लो स्पीड करने के लिए, आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया है, इसमें भी आपको दिया है माइनस एंड प्लस देख सकते हैं। एंड इसमें आपको साइड लॉक कर सकते हैं, दोनों कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये साइड लॉक हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको साइड लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। तो बाकी देख सकते हैं प्रेशर कुकर, करी, सॉटे, डीप फ्राई, इडली, हीट मिल्क, ये सभी इसमें भी दिया हुआ है। देख सकते हैं डीप फ्राई, इडली, मिल्क, बॉयल, करी, सॉटे, प्रेशर कुकर वगैरह, एंड डोसा चपाती के लिए सेपरेट बटन है, तो इसमें भी डोसा चपाती के लिए सेपरेट बटन है। जो ये वाला बटन है विजुअल प्रीसेट, ये ऑप्शन इसमें नहीं है, जो कि मैंने बताया ऑटोमेटिक विजुअल काउंटर, तो विजुअल ये काउंट करता है कैसा आपको कुकर में कितना विजुअल चाहिए उसके हिसाब से ये काउंट करता है। तो ये बहुत बड़े फीचर्स हैं इसमें, मेन तो बड़ा फीचर्स हैं 1 2 एंड 3 4th, ये इस मॉडल में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्लिम ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एक स्लिमेस्ट कुकटॉप है ये, इसकी थोड़ी हाइट हो जाती है, एंड वोल्टेज का भी फ़र्क है जो कि मैंने बताया कि 2200 वाट्स का ये है 2100 वाट्स का, ओनली फॉर 100 वाट्स का फ़र्क है। एंड अब केबल की बात करेंगे, तो केबल की क्वालिटी की बात करेंगे तो ये प्रेस्टीज का थोड़ा सा मोटा केबल आप देख सकते हैं वीडियो में, प्रेस्टीज की क्वालिटी थोड़ी जो है केबल में थोड़ी हैवी है। एंड केबल की लंबाई की बात करूँ तो दोनों में लंबाई जो है सेम है, 1.2 मीटर के आसपास इसकी जो है केबल लेंथ मिल जाती है। एंड अब करते हैं पीछे की तरफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रेस्टीज का स्टिकर मिलेगा, इसमें सीरियल नंबर वगैरह मॉडल, एंड इसका जो इंडक्शन का मॉडल की बात करूँ तो PIC 6.1V3 इसका मॉडल है। एंड इसका बात करूँ तो ये स्लिक मॉडल है जो कि पिजन ब्रांड का है, एंड इसको उल्टा करके बताएंगे, एंड देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। दोनों में आपको फ़ैन देखने को मिलेगा, जो कि फ़ैन का क्या काम है, फ़ैन जो एक कोयल वगैरह इसमें हीट हो जाती है तो इसको ठंडा करने के लिए फ़ैन काम करता है। एंड अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहे हैं एंड आप कुकिंग आपका हो गया है तो इमीडिएट आपको प्लग से ऑफ़ नहीं करना है, इधर से ही आपको स्विच को, दोनों में कोई भी इंडक्शन आप यूज़ करते हैं तो ये वाला जो है स्विच ऑफ करके थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, नीचे का फैन जब ऑफ हो जाए उसके बाद में इंडक्शन को ऑफ रखना है, ताकि आपका बोर्ड कोयल वगैरह सेफ रहे लॉन्ग लास्टिंग, तब आप अच्छे से इंडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं सांद्रा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड दोनों का लिंक जो है बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बेस्ट टू बेस्ट आप परचेज कर सकते हैं।